नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के पुवाया में मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जिला कारागार में शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, कारागार में लगभग 1600 कैदियों ने शरबत पीकर गर्मी से राहत ली। यहां आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि कार्यक्रम आयोजन से पूर्व जेल अधीक्षक डॉक्टर बीडी पांडे की अनुमति ली गई, जिसके बाद संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री शिवा शुक्ला, मंत्री उमेश कुमार शर्मा व जिला अध्यक्ष विजय जी ने जेल अधीक्षक, जेलर व डिप्टी जेलर का माल्यार्पण कर उन्हें भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। हमारे संवाददाता राजू यादव के साथ देखें ये विशेष रिपोर्ट। सर, मानवाधिकार संगठन द्वारा जो आज जिला कारागार में कैदियों को शरबत पिलाया गया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मानवाधिकार संगठन का ये बहुत ही सराहनीय कदम रहा है, अच्छी पहल की है उन्होंने। और जैसा कि मुझे जानकारी में आया है, मानवाधिकार संरक्षण एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जो शाहजहांपुर इकाई के पदाधिकारी हैं, ये जनपद में जन कल्याण से संबंधित काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं और मुझसे संपर्क किया था पदाधिकारियों ने कि हमारी ये इच्छा है कि जो जेल के बंदी हैं उनको शरबत पिलाना चाहते हैं, वो हफ्जा वगैरह डाल करके अच्छा शरबत तैयार करके। तो हमने सहमति प्रदान कर दी थी और आज संगठन के पदाधिकारियों ने आकर के अपनी तैयारी के साथ और जेल के करीब जो आज की संख्या है 1650 बंदी आज जेल में निरुद्ध हैं, उन सभी को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा शरबत पिलाया गया है। और बंदियों में इस बात को लेकर के काफ़ी उत्साह रहा, जब शरबत घोलना और हफ्जा डालना और बर्फ़ वगैरह उसमें डालना, ये सब तैयारी लोग कर रहे थे, तो बंदियों में काफ़ी प्रसन्नता की लहर दिख रही थी और काफ़ी उत्साह के साथ इसका आनंद बंदियों ने उठाया और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। हम जेल की ओर से, अपनी बंदियों की ओर से, जो इनका संगठन है मानवाधिकार संगठन शाहजहांपुर इकाई, इसका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, हम आभारी हैं। ठीक, थैंक यू।